स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने बगैर मास्क ऐवान में शिरकत पर पीटीआई रुकन जुनेद खान की सरजनिश कर दी। एसओपीस और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कोरोना से सहतियाब होने वाले स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ऐवान में पहुंचे तो अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। स्पीकर ने बाज अरकान की जानिब से एहतियाती तदाबीर न अपनाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि इजलास में शरीक अराकीन खुद अपने दुश्मन बन रहे हैं। मुझे पता है कि मैं किस तकलीफ से गुजरा हूँ और मेरे बच्चे भी किस तकलीफ से गुजरे हैं। स्पीकर ने पीटीआई रुकन कौमी असेंबली जुनेद खान की सरजनिश करते हुए कहा कि आप मास्क पहने और अराकीन प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। अपने ऊपर और पूरी कौम पर रहम करें। जिसने आपस में बात करनी है ऐवान से बाहर जाए। जबकि स्पीकर ने मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली को मुखातिब करते हुए कहा कि राणा सनाउल्लाह साहब आप बहुत करीब हैं, सामाजिक फासला रखें। राणा सनाउल्लाह रुकन असेंबली बर्जीस ताहिर से सरगोशी कर रहे थे। दूसरी जानिब ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के रुकन राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हम खुद अपनी जान की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर जाते हैं तो बच्चों खानदानों के लिए वबा ले जाते हैं। खबर से अपडेट रहने के लिए खबरों सियासी या मुल्क के बहरान की या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।